हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फूडीज। ईट फ्रेश, फील फ्रेश। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चाइनीज़ भेल की रेसिपी, जिसके लिए कुछ प्रेपरेशन पहले कर लेते हैं। ये मैंने एक पूरा पैकेट हक्का नूडल का बॉईल कर लिया है, उसके अंदर उसमें से मैंने दो पार्ट कर लिया है। एक थोड़ा ज़्यादा है, ये हाफ से थोड़ा कम है। जो ज़्यादा वाला पार्ट है हमें अभी उसका यूज़ करना है, उससे हम लोग फ्राइड नूडल बनाएंगे। फ्राइड नूडल बनाने के लिए हमें सिर्फ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर डाल के उसको मिक्स करके कॉर्नफ्लावर का जो ड्राई कोटिंग हो जाए, उसके बाद उसको सिर्फ हमें फ्राई कर लेना है। कॉर्नफ्लावर जब मिक्स करे तब हर एक जो स्ट्रेन है उसको अलग करने की पूरी कोशिश कीजिए, और उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगे अच्छे से उसकी पूरी ट्राई कीजिए। अब यह कोटिंग हो चुका है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तेल के अंदर, तल लेंगे। अब जब भी तलने के लिए डालें, उस टाइम पे तेल आपका प्रॉपर गर्म हो चुका है वो ध्यान दें, क्योंकि अगर कम गर्म होगा तो सॉगी हो जाएगा। ये हमारी फ्राइड नूडल रेडी है। ये जो आप उसके ऊपर देख रहे हो, ये कॉर्नफ्लावर ही है। ये जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो अपने आप वो निकल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको मैं दिखा दूँ कितने क्रिस्पी है, एकदम सुपर क्रिस्पी मिलेगा आपको। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा चाइनीज़ भेल बनाना है। इसके लिए मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया है और उसको गर्म कर लिया। गर्म करने के लिए ऑयल रख दिया है, उसके अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन, ये करीबन 2 चम्मच है। मैं आपको फिर से बता दूं कि मुझे लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं लहसुन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्ट तो इससे अच्छा आता ही है। लहसुन को अच्छे से भून लेना है। आयुर्वेद में भी आता है कि अगर लहसुन हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे हार्ट की जो वेन्स हैं उसको ब्लॉक नहीं होने देता, इसलिए लहसुन हो सके उतना ज़्यादा खाइए, हेल्थी रहिए। इसके साथ ही अब इसके अंदर हम लोग, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगा, हम अनियन डाल लेंगे। या आधा प्याज है या एक छोटा प्याज समझ सकते हैं, एक छोटा सा प्याज। इसको भी हमें पूरा गला नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मली हमें सिर्फ उसको सॉटे करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसके साथ गाजर डाल लेना है, कैबेज डाल देना और कैप्सिकम भी डाल देना। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर लेना, ट्राई करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पूरा का पूरा गल जाए, क्योंकि अभी तो राइस और नूडल हम डालेंगे तो उसके बाद भी उसको अंदर पकना है। अब इसमें 1 कप चावल है जो मैंने भिगा के बॉईल करके रखे हुए हैं, वो 1 कप के बराबर चावल डालना। और जो हमने नूडल्स जो स्टार्टिंग में अलग रखी थी वो नूडल भी डाल देनी है। ये पोजीशन पे हमें फ्लेम कम करके सारे सॉसेस डाल देना है। सॉसेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे सोया सॉस, फिर डालेंगे विनेगर, दोनों 1-1 चम्मच जितना था बड़ा चम्मच। ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस आप जो चाहो वो डाल सकते हो। मैं रेड चिली सॉस इसमें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा तीखास भी ज़्यादा आता है, जो भेल जो होता है उसका कलर भी रेड होता है इसीलिए। और इसके अलावा अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग केचप, ये 2 बड़े चम्मच जितना केचप है। और इसके अंदर जाएगा अजीनोमोटो,
ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि जो सोया सॉस है उसके अंदर भी सॉल्ट कंटेंट होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा ही डाला और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। दो चम्मच या तवे था जो भी आप यूज़ करते हो। जैसे ये मिक्स हो जाए इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे 1 कप मंचूरियन के बड़े। ये मैंने मंचूरियन की रेसिपी रखी हुई है, उसके अंदर आप देख सकते हो कैसे बनता है, बहुत ही इजी है बनाना, कैबेज से बनता है। तो 1 कप हमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मार्केट में जो हमें चाइनीज़ भेल मिलती है वो रेड कलर की आती है, आप चाहो तो इसके अंदर रेड कलर डाल के सेम रेड कलर कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हेल्दी रखना चाहता था इसलिए मैंने रेड कलर नहीं डाला है, वो आपकी चॉइस है अगर आपको डालना हो तो। ये जो इसका कलर आया है वो सोया सॉस की वजह से आया हुआ है। अब इसमें हमें फ्राइड नूडल डाल देना है ताकि हमें क्रंचीनेस भी मिले। हमारे बॉम्बे चाइनीज़ भेल रेडी है, इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मज़े लीजिए। हमारा जो बॉम्बे भेल जो है वो रेडी है, इसको फ्राइड नूडल और स्प्रिंग अनियन से गार्निश कीजिए और साथ में फ्राइड नूडल के साथ ही उसको सर्व कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो आप बताइए, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी रेसिपी चाहिए, जैसे कि ये वाली मेरे फ्रेंड वेल मुर्गन सर ने चेन्नई से बोला था, रिक्वेस्ट किया था, तो वो मैंने बनाई है। वैसे ही दूसरी अलग अलग रेसिपी भी मैं लूँगा और उसके अंदर आपका नाम भी मेंशन करूँगा। प्लीज़ मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए, और अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, ईट फ्रेश फील फ्रेश। थैंक यू वेरी मच।